इंदौर पुलिस द्वारा बेरहम कलयुगी पिता के साथ सौतेली मां को भी गिरफ्तार किया गया है। सौतेली मां के कहने पर ही पिता ने अपने 7 वर्षीय बच्चे को मौत के घाट उतारा था और उसका वीडियो बनाकर सौतेली मां के मोबाइल पर भेजा था और कहा था कि देखो मार दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही पति पत्नी से पूरे मामले की पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित लिमौदी में रहने वाले शिशुपाल मुंडे नामक बेरहम पिता द्वारा सौतेली पत्नी के कहने पर अपने ही 7 वर्षीय बच्चे को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बताया गया है कि शिवपाल की तीसरी शादी पायल नामक युवती से हुई थी, जो कि घटना के समय अपने पीहर राजगढ़ में रह रही थी और उसने अपने पति शिवपाल को फोन लगाकर 7 वर्षीय सौतेले बच्चे प्रतीक को लेकर विवाद किया था। इसके बाद आक्रोशित होकर पति शिवपाल ने अपने 7 वर्ष के बच्चे का गला दबाते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया और उसका एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी पायल को भी भेज दिया था। घटना वाले दिन बच्चा अपनी दादी के साथ खाना खाने के बाद पिता के पास सोने गया था और उसी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी पिता को मोटक्का के पास एक ढाबे से गिरफ्तार किया है तो मां को उसके घर राजगढ़ से गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया है। कलयुगी पिता ने मीडिया के सामने चर्चा करते हुए कहा कि पत्नी के कारण ही उसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि पत्नी आए दिन बच्चे को लेकर उससे विवाद किया करती थी। मैं 8 महीने से डिलीवरी के लिए पीएल गई हुई थी, मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। 14 तारीख को दिन में 12 बजे बात हुई थी, मैंने प्रदीप के विषय में कोई बात नहीं करी। आप छानबीन कर सकते हो, मैंने बच्चे को मारने को कभी नहीं बोला। और ये फोटो की बोल रहे ना, तो मैं मेरा फोटो डालने के लिए मना करती थी कि तुम्हारा नंबर बहुत जगह बटे, मेरा नंबर फोटो मत डाला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुमने मदद से नहीं बोला था कि प्रतीक की फोटो हटाओ? मैंने सूट पहना था और हम गांव से, तो मैंने फोटो मेरा फोटो हटाने के लिए बोला था, मुझे पसंद नहीं है फोटो हटाओ, रिकॉर्डिंग है इनके मोबाइल में। प्रतीक के फोटो हटाने के लिए नहीं बोला? प्रतीक का नहीं, मेरा फोटो, पर मुझे पसंद नहीं है तुम डाल रहे हो फोटो। तो फिर मैंने दूसरा फोटो डाला था साड़ी वाला, फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुमको कब पता चला कि प्रतीक की हत्या हुई? मुझे डीजे वाला वो दिलो क्या नाम उसका, डीजे गाड़ी पे था आकाश नाम, उसका फोन आया और भाभी आपके पास जैसे भैया आए क्या? मैं बोला नहीं आए भैया। नहीं नहीं, ये बताओ तुम हत्या करने के बाद बच्चे के साथ रात में कितने बजे देखते? बस 12:30 बजे। हत्या करने के बाद उसी कमरे में? सर तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि अपन पुलिस से एक बार चर्चा कर लें या किसी से परिवार के किसी बड़े से चर्चा कर लें, समाधान निकालने बीच का? क्या काम करते हो? ड्राइविंग करता हूँ। तो ये बताओ वीडियो तुमने भेजा, तुम्हारी पत्नी की डिमांड थी कि वीडियो भेजना मुझे मार के, ऐसा कुछ बोला था? ऐसा नहीं बोला है, पर मैं उसको बताना चाह रहा था कि मतलब देख, मतलब तेरे कहने पे मैंने ये भी कर दिया है, मतलब तेरे को है ना वो तो बहुत खटकता था ना, अब तेरे को है ना तेरे आत्मा वो तो अब नहीं खटकेगा, तो मार दिया, मतलब वैसे लिखा भी है मैंने, मतलब अब तेरे आत्मा तो खटकेगा नहीं। जब तुमने मारा था उस वक्त तो सोया नहीं था? कौन सी क्लास में पढ़ता था ये बच्चा? ये 3rd में गया है। 3rd में गया है। मारने का तुम कहाँ गए? जैसे तुम्हें 12:30 बजे कितने बजे गए रात को घर से, कहाँ गए थे? मैं खेड़ी रात में खुद, मतलब 2 बार तो मैंने खुद ने ना इन कमरे में सुसाइड करने की कोशिश करी। पहली बार तार से तार बांधा था, टूट गया, ये देखो निशान भी होंगे गले पे अभी कुछ दिख रहे हो तो। फिर वो तो एक रस्सी भी बांधी, तो भी मतलब को रस्सी है ना चिंगनी रस्सी, तो वो बार बार छूट छूट के गई। मैं खुद भी तो सुसाइड करने वाला था, फिर मैं लोग अभी रस्सी कोई साथ नहीं दे रही, तो मैं खेड़ी घाट गया मैं नर्मदा जी में घूमने के लिए, और वहाँ पर तो रात में ये मच्छी वाले और ये पेशेंट बिनने वाले वहाँ नाव ले लेके घूम रहे थे। जैसा आप सबको विदित है, कल थाना तेजाजी नगर अंतर्गत शंकर मोहल्ला लिम्बोदी में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निर्मम हत्याकांड हुआ था। बालक प्रतीक और उसको उसके पिता के द्वारा ही हत्या कारित की गई। 15 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुई बालक के दादा दादी की तरफ से इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। पूरे प्रयास करके वो उसको सर्वप्रथम हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड रहे, मृत घोषित किया गया, उसको वो थाने लेकर आए, पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया। तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारी थाना प्रभारी ACP मैं मौके पर पहुँचे, मौके पर पूरी वस्तु स्थिति का अवलोकन किया गया, मौके पर जो मोबाइल प्राप्त हुआ उसमें लॉक नहीं था, मोबाइल की जांच की गई, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक जो वीडियो आप लोगों ने भी देखा वो प्राप्त हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि यह मोबाइल शशिपाल का है, मृतक के पिता का है। परिजनों से बात की, दादा दादी से बात की बच्चे के, उनने बड़ा स्पष्ट बताया कि शशिपाल का विवाद उसकी पत्नी से इस बच्चे को लेकर है। ये शादी उसकी तीसरी शादी थी,
जिसमें लगातार उसको ये बताया जा रहा था कि या तो इसको यहाँ से हटाओ या इसको ख़त्म करो, तब जाकर मैं पुनः आके रहूँगी। इस तरह के दुष्प्रेरित और प्रोवोकेटिव मैसेज हमारे पर रिकॉर्ड पे भी हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे बढ़े, तत्काल ही ट्रेस किया। महिला राजगढ़ में थाना तलेन अंतर्गत नदानपुरा गांव है, वहाँ की रहने वाली है, वहाँ उसकी लोकेशन प्राप्त हुई। जैसा कि एक डिटेल नोट लिखा गया था शशिपाल के द्वारा, उसको पढ़ा गया, उसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन किया गया और ये पाया कि ओंकारेश्वर महेश्वर इस तरफ हो सकता है, क्योंकि उसने एक जिक्र किया था। विशेष पार्टियां बनाई गई, चार पार्टियां असरावद, खुर्द, कन्न और मोटका आसपास भेजी गई। सारे सीसी फुटेज तलाशे गए। यह कि अपनी गाड़ी लेकर गया है, ये उसके पिता के द्वारा अवगत कराया गया था। उस मोटरसाइकिल का फोटो प्राप्त किया गया और सभी मीडिया चैनल्स में, सारे पुलिस ग्रुप्स में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने खुफिया तंत्र के चैनल्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, सब में सर्कुलेट किया गया। ये सुनियोजित तरीके से किया गया है। ये प्लानिंग आरोपी के दिमाग में थी। उस दिन विशेष 14 तारीख को वो कूलर में सोने का बहाना करके उसको लेके गया, टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा तेज किया और घटना कारित की। सुबह जब उसके देर से नहीं उठा तो दादी ने स्वयं जाकर मौके पर देखा और जैसा उस सुबह का नाश्ता दूध उसको देती हैं उसको लेकर गई थी और उसको अचेत अवस्था में पाया। तत्काल ही उन लोगों ने उसमें फिर आगे उसको ले जाने की कार्रवाई की। ये विवाद रहा है लगातार और उसकी तरफ से, महिला की तरफ से ये प्रोवोकेटिव चीज़ें जो उसको दुष्प्रेरित करने की लगातार हो रही थी। 3 माह पूरी उसको एक बच्चे का जन्म हुआ है इस शादी से, लेकिन उसके बाद भी वो घर नहीं आई थी और इससे पहले करीबन 3-4 महीने से वहीं है और लगातार ये दबाव था कि मैं तभी आऊँगी जब इसको यहाँ से आप कहीं और व्यवस्थित करते या घटना कारित करने के, पूरा स्पष्ट उसमें हमारे पास एविडेंस आया।